press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. I hope you all are well. Welcome to online mathematics answer class. आप सभी का मैथमेटिक्स आंसर क्लासेस में स्वागत है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास स्टैंडर्ड 8 के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपने फर्स्ट हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है DEAR। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लाइन लेके चलेंगे 4 सेंटीमीटर, जस्ट ड्रा 4 सेंटीमीटर लाइन, ये अपनी 4 सेंटीमीटर लाइन आ जाएगी। नाउ ये हमें मिल गई DE 4 सेंटीमीटर। अब E के ऊपर हम 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं, कितने का 60 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं। ये E रखते हैं E के ऊपर और ये अपना 60 डिग्री एंगल हमें मिल गया। एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब ई ए कितने 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करेंगे, ई पे पॉइंट रख के कट कर देंगे। ठीक है, तो ये ई ए हमें मिल जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और ये 90 डिग्री एंगल इसके ऊपर अब हमने बनाना है। ए पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो हम इसको एज ए सेंटर मान के ए को 90 डिग्री पे यहाँ पे सिंबल लगा देंगे और फिर इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट, अब ये आगे इंक्रीज हो गया। अब हमें देखो ए आर कितना चाहिए, 4.5, यहाँ पे 4.5 हमें ए आर चाहिए, तो यहाँ पे रख के ए से कट कर देंगे, यहाँ पे मिल जाएगा हमें आर पॉइंट और ये पॉइंट। देखो ई ए की कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो अब ए आर कितना मिल गया 4.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे, ये एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने क्या क्या लिखना है, जैसे जैसे बनाया था दिखा देंगे। ड्राई लाइन सेगमेंट डी ई 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ई एंड कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री, टेकिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट ई, जैसे यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर लेके आर्क कट किया, फिर ये के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाया और ऐसे जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे हम राइट डाउन करते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट एक में 90 डिग्री, draw an arc of radius 4.5 cm with center A which is intersect at R join R for D, therefore बन गया। अब पार्ट नंबर टू में हमें टी आर 3.5 लेना है, तो हम यहाँ पे रख के देखो यहाँ तक हमारा 3.5 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टी आर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब आर के ऊपर कितने डिग्री बनाना, हमने 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो आर के ऊपर हम 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 75 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको जॉइंट करवा देंगे यहाँ से, ये 75 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। देखो टी आर हो गया आर यू 3 सेंटीमीटर हमने कट करना है, तो हम यहाँ पे लेके यहाँ तक ये
किसको सेंटर मान के 3.3 के एक रेडियस से कट कर देंगे और ये मिलेगा हमें U। U पे कितने डिग्री का 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे पॉइंट रख के 120 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ पे आ जाएगा, वेरी गुड, ये 120 का एंगल हमें मिल जाएगा। इस एंगल को हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करवा देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 120 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट, देखो हमें कितना चाहिए, आर यू मिल गया, यू ई 4 सेंटीमीटर, हम 4 सेंटीमीटर के एक आर्क लेंगे और यू से 4 सेंटीमीटर पे कट कर देंगे और इसको किसी टी से ज्वाइन करवा देंगे, ये कंस्ट्रक्शन आपके तैयार हो गए। क्वाड्रिलेटर आपको मिल गया, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ई ना 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, अब इसे कंस्ट्रक्शन पॉइंट देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट में क्या है, ड्राई लाइन सेगमेंट टी आर 3.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन एंगल 75 डिग्री एंड आर ड्राइन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे राइट डाउन हमने करते जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यदि कोई डाउट है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।